हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपनास किचन। आज हम बनाएंगे एक स्पेशल रेसिपी मैंगो हलवा। आपने हल्दीराम का मैंगो हलवा खाया ही होगा। ये मैंगो हलवा बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। इसे आप बनाकर फ्रीजर में 8 से 10 दिन के लिए रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये मैंगो हलवा। मैंगो हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 3 आम, उसको छिलका निकाल के छोटे छोटे टुकड़ा में कट कर लिया है, आधा कप कॉर्नफ्लोर, आधा कप चीनी, आधा कप ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, और 3 चम्मच घी और 3 चम्मच तेल। एक बाउल में हाफ कप कॉर्नफ्लोर में हाफ कप पानी डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर 3 आम लिया है, उसको छिलका निकाल के छोटे छोटे टुकड़ा में कट करके ग्राइंडिंग जार में बिना पानी डाले मैंगो को पल्प बना लिया है। गैस पर एक नॉनस्टिक का कढ़ाई गरम करना है और उसमें 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच घी डाल दीजिए। घी गरम होने पर 2 कप मैंगो का पल्प डाल दीजिए। गैस को अब हाई फ्लेम पर रखकर लगातार चलाते रहना है। जैसे ही इसमें का पानी ड्राई होने लगेगा उसमें डाल देना है कॉर्नफ्लोर का बैटर जो हमने पहले बना लिया था। कॉर्नफ्लोर बैटर को डालने से पहले एक बार चलाना है। अब कॉर्नफ्लोर बैटर को डालते समय गैस बंद कर दीजिए और लगातार चलाते रहिए, वरना उसमें क्रम्स बन जाएगा। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस ऑन कर देंगे और ऐसे ही चलाते रहिए। देखिए जब ये ड्राई हो जाएगा हमें उसमें चीनी डाल देना है, और मैंने हाफ कप से थोड़ा कम चीनी लिया है। आप चीनी कम या ज्यादा ले सकते हो। चीनी इसमें मेल्ट होकर मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाले और मिक्स कर ले। 1 चम्मच घी और 1 चम्मच तेल डाल देना है। और अब गैस फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर सकते हो। ये तेल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और लगातार चलाते रहिए। अगर चलाने पे ये एक साथ इकट्ठा होने लगा है, अब ड्राई फ्रूट का टुकड़ा डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पर काजू बादाम और पिस्ता थोड़ा सा लिया है। आप चाहे तो आपका कोई भी पसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते रहिए। इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा एक प्लेट में निकाल दे और 1 मिनट के लिए ठंडा होने दे। अब इसी तरह से इकट्ठा करके देखें, अगर इसका बॉल तैयार हो रहा है और हाथों में नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब है कि ये तैयार हो गया है और हम उसे सेट कर सकते हैं। गैस को बंद कर दीजिए। अब इसे एक माउल में निकाल दीजिए। आपके पास माउल ना हो तो कोई भी बर्तन में निकाल सकते हो, और स्पून से सेट कर लीजिए, और ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल सकते हो या फिर मगज सीड भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर मगज सीड डाला है। इसे सेट होने के लिए 3 घंटे के लिए रख देंगे। फ्रीजर में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बाहर ही रखिए। 3 घंटे के बाद आप देखिए ये सेट हो गया है, ये एकदम सॉफ्ट बना है। अब हम उसे माउल से निकाल देंगे और स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए कितना मस्त बना है। आप भी ये मैंगो हलवा घर में जरूर ट्राई करें और कैसे बनाए मेरे चैनल पर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें। मिलते हैं जल्दी एक और न्यू रेसिपी के साथ।